Goal, nation's leading institute. Hello, I am Manjul Main. Today I am going to discuss a spot test for NEET aspirant 2023. Test number 4 held on 10th March 2023. Now I am going to discuss physical chemistry of this test from question number 51. क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.2.0 मोलर HNO3 द कंसंट्रेटेड एसिड इज 20% HNO3। तो कंसंट्रेटेड एसिड 70% ही HNO3 कंटेन कर रहा है, 70% HNO3 कंटेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो कि प्रिपेयर किया गया है 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 मींस हो जाएगा 250 क्रॉस 2 बाई 1000 मोल ऑफ HNO3। इसका मतलब हुआ कि 0.5 मोल HNO3। अब HNO3 का मोलर मास कितना होता है, 63। अब देख सकते हैं 1 14 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो अब इसका मतलब है मास कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 63 ग्राम HNO3। लेकिन एक कब, जब प्योर है, हमें कह रहा है 70% ही HNO3 है। तो 70% HNO3 मीन्स 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ HNO3। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 1 में तो 100/70, इसलिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 63 ग्राम कितना सैंपल में होगा, 100/70 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 63। ये कट जाएगा यहां से, तो ये 45 ग्राम आएगा। तो 45 ग्राम सैंपल आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर 4 इज करेक्ट, क्लियर। तो एक क्वेश्चन था, फर्स्ट सॉल्यूशन से आप कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बन सकता था, बना ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। में कह रहा है द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। तो जब भी निगेटिव डेविएशन मीन्स बाद का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, बाद का इंटरेक्शन पहले के इंटरेक्शन से, जैसे इंडिविजुअल दो सब्सटेंस है तो इंडिविजुअली आपस में जो इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे ए और बी है, तो ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन जो आपस में हो रहा है वो क्या होना चाहिए, उससे जैसे ए बी बाद में सॉल्यूशन तैयार हो गया ए बी का, तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि वेपर कम बन सके, एस्केप कम कर सके। तो ऐसा इसमें इथेनॉल एंड एसीटोन नहीं, ये शुरू में ही इंटरेक्शन इसका ज्यादा होता है, बाद में और कम जाता है, क्योंकि इथेनॉल खुद हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा और एसीटोन में भी, एसीटोन भी आपस में पोलर पोलर इंटरेक्शन रहेगा। बेंजीन एंड टोलीन ये तो प्योर सॉल्यूशन है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की जहां तक सवाल है, तो इस तरह का कंपाउंड है CH3 और यहां पर CHCl आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों साथ में हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है बाद में, लेकिन अगर इंडिविजुअल हो तो ये डायपोल डायपोल आप कर सकते हैं या पोलर पोलर, और यहां पर भी पोलर पोलर
डैपोल डैपोल इंटरेक्शन हो सकता है, तो डैपोल डैपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगा, इसके कारण निगेटिव डेविएशन होने की संभावना थर्ड में ही है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फोर्थ में है क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ये भी है जो कि प्योर सॉल्यूशन टाइप से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर 52 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट 14 डिग्री सेल्सियस। केएफ दे रखा है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखेगा वाटर का तो 0 डिग्री सेल्सियस आप लेते हैं, टीएफ नॉट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको दे रखा है टीएफ बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ बराबर हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां पर केएफ इंटू एम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ आप कह दीजिए डिप्रेशन ही कर रहे हैं तो उसमें घटेगा तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। यहां पर केएफ ऐसे तो होता है टीएफ माइनस टीएफ टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो यहां पर केएफ केएफ कितना है 1.86 इनटू, अब यहां पर मोल में आंसर दिया, ऑप्शन जितने भी हैं तो मोल में ही लेकर चलते हैं एन इंटू, अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर कह दिया तो 1 लीटर बराबर 1 केजी 1 लीटर वाटर, क्योंकि मोलिटी में आप सॉल्वेंट का वेट देखते हैं 1 केजी वाटर कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है रो वाटर बराबर 1। इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा एन बाई 1 किलोग्राम, तो यहां पर n बराबर यहां पर आएगा 0 - 14 इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाइड बाई n, इसलिए n इक्वल टू 14 अपॉन 1.86, ये करीब करीब आपका आ जाएगा 7.5 मोल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 53 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। में कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलिकुलर वेट 180 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बोल दिया, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो आप ये कह सकते हैं कि C1 बराबर C2। अब एक है 5% ग्लूकोज और दूसरा है जो कि अननोन सब्सटेंस है 2%, तो यहां पर कंसंट्रेशन मीन्स मोलारिटी आप कह सकते हैं, तो मोलारिटी कहते हैं तो 500 ग्राम में है तो इसका मोलर मास 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू, अगर इसको हम मोलर मोलारिटी के टर्म में लेते हैं तो मोलारिटी के टर्म लेते हैं तो यहाँ पर 2 बाई यहाँ पर 100 ग्राम में ही आप देख रहे हैं या 100 ml सॉल्यूशन में देख रहे हैं तो इसका मोलर मास m मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर m बराबर क्या बच जाएगा 2 × 180 अपॉन 5, तो ये 3672 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन नंबर 3, नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज इनक्लोज्ड कंटेनर इज 0.4 एटमोस्फेयर, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड देन द वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, और जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना कि वॉल्यूम पर, इसका मतलब
यहाँ पर 0.4 है वेपर प्रेशर इनिशियली, तो फाइनली भी क्या होगा 0.4, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, चूंकि वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नॉट ऑन वॉल्यूम, तो ये आप कह सकते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो अब आएंगे 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कंडीशन एट विच द एवरेज रेट कैन बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनुअस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एवरेज रेट, आर एवरेज की बात करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और अगर आर इंस्टेंटेनुअस की बात करते हैं तो ए लिखा जाता है डीसी बाई डीटी। अब डीसी बाई डीटी कैसे होता है, लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, जब टाइम को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं, अर्थात डीसी बाई डीटी। तो इसमें हम टाइम को शॉर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जैसे डेल्टा एन गोज टू जीरो, ए कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, डेल्टा टी गोज टू जीरो ए हो सकता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि कर भी रहे हैं वही काम, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, तो 56 में सेकंड ऑप्शन। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस बी, एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, ठीक है। तो इसमें चार कंडीशन दिया है, जैसे 1, 2, 3, 4 चार कंडीशन दिया है, तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है डी का, तो रेट कहने का मतलब ये चार कंडीशन में रेट 1/r1/r2 कर देते हैं, तो यहां पर आएगा 6×10⁻³ अपॉन 7.2×10⁻², इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 0.1/0.3 अगर इन टर्म ऑफ ए है के पावर अल्फा, और यहां पर आ जाएगा 0.1/0.2 के पावर बीटा ए टर्म ऑफ बी एफ लेते हैं। तो यहां पर देखिए कि ए इन दो कंडीशन से आएगा कि 1/3 के पावर अल्फा 1/2 के पावर बीटा बराबर यहां पर आ जाएगा 6 × 6y या 6y 72 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये क्या हो जाएगा 10⁻¹, तो यहां पर 10 से कट जाएगा तो 72 आ जाएगा, ये 12 हो गया, का मतलब 1/12 इक्वल टू 1/3 के पावर अल्फा 1/3 के पावर 1/2 के पावर बीटा। अब यहां पर है, अगर रेट की बात करें तो रेट बराबर ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा के टर्म में आप लिख रहे हैं, तो यहां देखिए 12 लाने के लिए 3 तो 3 ही रहेगा, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9×2 = 18 हो जाएगा, नहीं हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं मीन्स बीटा बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं और अल्फा बराबर 1 ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब रेट बराबर क्या होना चाहिए, ए के पावर 1 एंड बी के पावर 2, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, के इंटू ए के पावर 1, के रिएक्शन कॉन्स्टेंट है रेट कॉन्स्टेंट है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्लियर। तो एक ही बार चेक करने के बाद हो गया, ऐसे तो आप चारों में चेक करके देख सकते हैं और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार में क्लियरिफाई हो रहा है कि 1/3 के पावर अल्फा 1/2 के पावर बीटा, इसका मतलब अगर बीटा बराबर 2 ले लें और अल्फा बराबर 1 ले लें तो आसानी से सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब है 58 नंबर, 58 नंबर में कर रखा है कि कंसीडर द रिएक्शन 2A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल्ड द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज जब कंसंट्रेशन बी का बी डैश
गोज टू टू बी अगर हो जाए तब ये चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर बी। एंड सेकंड पारा में लिखा है, सेकंड में इसके बाद का क्वेश्चन लिखा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज अलोन वाज डबल्ड, मतलब वहां बी को अलोन अकेले बी को डबल किया गया कंसंट्रेशन, तो उसका टी हाफ नहीं डिपेंड करा। इसका मतलब टी हाफ नहीं डिपेंड करा, बी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और यहां पर कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड द रेट इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स, रेट डबल्ड हो जाता है। तो रेट अगर आरडेस बोले तो टू आर, टू इंटू रेट, इनिशियल रेट हो जाता है। कब? जब ए का कंसंट्रेशन बराबर टू ए हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर डबल हुआ तो डबल, तो रेट, तो रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन टू द पावर अल्फा। इसका मतलब कि यहां डबल हो रहा है, यहां डबल हो रहा है तो यहां पर भी डबल हो रहा है। इसका मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू वन। तो ए भी हो गया फर्स्ट ऑर्डर फॉर ए, तो दोनों के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट बराबर, जैसे ओवरऑल अगर हम रेट लिखे हैं, तो रेट बराबर क्या लिख सकते हैं कि ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा। तो यहां पर बोल सकते हैं के इंटू ए के पावर वन और बी के पावर वन। इसका मतलब ओवरऑल रेट इक्वल्स टू वन प्लस वन बराबर टू। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट आप जानते हैं कि रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो के, और यहां पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर के पावर टू हो जाएगा। अब यहां रेट, रेट मतलब कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम सेकंड। इसका मतलब के बराबर आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर बाई सेकंड इंटू वन बाई मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो यहां कट जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोल लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो था बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस दो टर्म दिया कि यहां पर टी हाफ के लिए था और दूसरा था रेट के लिए। तो रेट के लिए हम डायरेक्टली देख लेते हैं, और टी हाफ के लिए तो आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जीरो में तो रहता है कि डायरेक्ट डिपेंड करता है और फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता है। तो उसके आधार पर आप देख लिए। अब 59 नंबर क्वेश्चन में करा है कि द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द अरहेनियस पैरामीटर, मतलब रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 3×10⁻⁴ पर सेकेंड, एक्टिवेशन एनर्जी 104.4 किलो जूल पर मोल, और तीसरा कह रहा है कि अरहेनियस पैरामीटर ए इक्वल टू 6×10⁴ पर सेकेंड। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी टेंस टू इंफिनिटी, ए कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पर है, मींस 298 केल्विन पर है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि टी इंफिनिटी पर, टी इंफिनिटी के बराबर वॉट, तो इसको हम K1 मान लेते हैं और यहां पर K2 मान लेते हैं, तो K2 बराबर वॉट। तो हम एक अरहेनियस इक्वेशन से एक फॉर्मूला जानते हैं, log K2 बाई K1 इक्वल टू ए बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2।
ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा log, यहां पर बेस 10 है तो k2 बेस 10 हम ले लिए, और k2 बराबर कितना है, k2 हमें निकालना है, k2 अपॉन 3 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू ये, ये है 104.4 क्रॉस 10 टू द पावर 3 किलो जूल में, जूल में बदल देंगे, और यहां पर 2.3 रहने देते हैं, 303 की जगह 1.3, और यहां पर आ जाएगा 1/298 केल्विन माइनस 1/∞, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो तो वो खत्म हो जाएगा, तो यहां पर 104.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 2.3 क्रॉस 8.3 ठीक है इनटू 298, इसको करीब करीब 300 मान सकते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 18.297 आ जाएगा, आप कर कर देख सकते हैं, तो अगर लगभग 18 आ जाए तो इसका मतलब है कि K2 by K1 माइनस 4 इक्वल्स टू एंटी लॉग 18.297, अर्थात अगर हम इतना को अप्रोक्सीमेटली लिख भी सकें तो कुछ वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 आ जाएगा, तो अगर K2 की बात करें तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाइड 3 इंटू इतना मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 18, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर मतलब यहां मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 14, इसका मतलब इतना आएगा 10 टू द पावर 14 के टर्म में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर टू में ही 10 टू द पावर 14 दिया है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 60, हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि द टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फिर अरेनियस इक्वेशन से ही आधारित है, एक्टिवेशन एनर्जी R1 एंड R2 आर R1 एक्सिट्स, मतलब R1 का अगर हम मान लेते हैं कि E1 है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन R1 के लिए R1 है और दूसरा रिएक्शन R2 है, ठीक है, तो इसके लिए E1 है तो E1 माइनस 10 हो जाएगा किलो जूल, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किलो जूल पर मोल के टर्म में, तो ये अगर E1 किलो जूल पर मोल है तो E1 माइनस 10 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, तो कह रहा है K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन R1 एंड R2, इसके लिए K1 रेट कांस्टेंट है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है, तो इसमें कह रहा है कि ln K2 by K1 और A at temperature दोनों के दोनों रिएक्शन किस पर हो रहा है, T1 बराबर भी 300 केल्विन और T2 बराबर भी 300 केल्विन, दोनों के लिए इक्वल है, तो हमें कह रहा है कि ln K2 by K1 ln K2 by K1 forward इसमें क्या आएगा, तो आप जानते हैं अरहेनियस इक्वेशन से k बराबर a e टू दी पावर माइनस e a y r t ना होता है, इसलिए k1 इक्वल्स टू a इनटू, चूंकि अरहेनियस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, यहां पर भी ये है और यहां पर भी ये ही है, यहां पर भी क्या है, तो अरहेनियस कांस्टेंट तो दोनों के लिए a इनटू e माइनस e1 अपॉन r t, तो r 8.3 इनटू t 300 केल्विन लिख सकते हैं, और K2 बराबर अगर आप लिखना चाहें तो A इंटू E टू दी पावर माइनस E अपॉन E1 माइनस 10 किलो जूल में ही है, ये तो अंडरस्टूड है कि किलो जूल में ही हम लेंगे 8.3 क्रॉस 300, क्लियर, अगर दोनों को डिवाइड कर दें K2 बाई K1 निकालना है, इसलिए हम K2 बाई K1 लिखते हैं, K2 बाई K1 अगर लिखें तो हम लिखेंगे e टू दी पावर माइनस e1 माइनस 10 अपॉन
8.3 cross 10 to 300 upon e to the power minus e1 by 8.3 cross 300. A equals to आ जाएगा e to the power minus, अब यहां पर कॉमन दोनों के लिए है वो निकाल लेते हैं, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 300 कॉमन है निकाल लिए, अब यहां पर लिख सकते हैं माइनस ई वन प्लस 10 माइनस माइनस प्लस ई वन हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा 10 किलो जूल में पर मोल, तो यहां पर 10 ई टू दी पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 300 कैंसिल हो जाएगा और 8 × 3 = 24 से करीब करीब 25 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 4 हो सकता है। इसका मतलब K2 बाई K1 बराबर ई टू दी पावर 4, इसलिए अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लें तो लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू ln e टू दी पावर 4 मतलब 4, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपसे बना ही होगा, उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन बस इसमें कैलकुलेशन था और कैलकुलेशन से डरना नहीं है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए तो आपका क्वेश्चन फिजिकल में तो रहेगा ही जो कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन सभी नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन रह सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कर रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड सरफेस पर क्या करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है तो पहला कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे गैस का एडजॉर्प्शन घटेगा, बढ़ नहीं सकता, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत है, इसका मतलब 61 का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट खोज रहा है, तो इनकरेक्ट में आप क्या देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली नहीं, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में ही हमें नॉट करेक्ट चूज करने का रहा है इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब है 62 नंबर पर आते हैं, 62 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे जियोलाइट आर गुड सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यस होता है, जियोलाइट में ही हनीकॉम्ब लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत ज्यादा पोरस फॉर्म में रहता है जिसके कारण एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है ठीक है, ऑल जियोलाइट्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस, नहीं ऐसा नहीं है कि ऑल जियोलाइट है जो कि नेचुरली अक्रिंग होता है, हम उसे आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। अब है कि एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन JSM 5, यस एनसीईआरटी का लाइन ही है, JSM 5 को पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं गैसोलीन से पेट्रोल कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए थर्ड नंबर ऑप्शन है ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब है 63 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा सही है, अब कर ब्रोनियन मोशन डीस्टेबलाइज सॉल, नहीं ब्रोनियन मोशन स्टेबलाइज करता है, चूंकि कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते रहेगा तो कोलाइडल क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, नहीं तो क्या हो जाए प्रेसिपिटेशन हो सकता है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्रोनियन मोशन हेल्प करता है चूंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट में लाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, ये गलत है। दूसरा में आ जाइए, एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कैन बी एडेड टू इमल्सन विदाउट डीस्टेबलाइजिंग इट, नहीं कुछ भी अमाउंट हम नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट ही रखना होता है। मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल इन इक्वल अमाउंट न्यूट्रलाइजेज
चार्जेज एंड अस्टेबलाइज कोलाइड. जब चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो मोमेंट रिपल्सन ही नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो सकता है. अब यहां पर कह रहा है कि परजेंस, फोर्थ ऑप्शन में, परजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज ऑन कोलाइडल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. यस, अगर सारे के सारे सिमिलर चार्जेज हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रॉपर रिपल्सन में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जिसके कारण वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. इस तरह से कोलाइड क्या होगा, स्टेबलाइज होगा. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, प्रेसिपिटेशन हो जाता. लेकिन प्रेसिपिटेशन चूंकि सिमिलर चार्जेज है और इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज है तो इसका मतलब रिपल्सन प्रॉपरली होगा, जिसके कारण स्टेबलाइजेशन हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. तो 63 का क्या ऑप्शन होगा, 4. क्लियर. अब है सेक्शन 2 में हम आते हैं, सेक्शन बी. सेक्शन बी में 86 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CH2 इज 512 mmHg एंड दैट ऑफ ए स्टोन इज 344 mmHg. अ सॉल्यूशन ऑफ CH2 इन ए स्टोन हैज टोटल प्रेशर ऑफ 600 mmHg. द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग आर रॉल्स लॉ ओबे. तो इसमें तो क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया है, क्वेश्चन जो डाटा है उस पर बेस्ड नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि CH2 चूंकि आगे कर रहा है कि नॉट ओबे रॉल्स लॉ, फिर कह रहा है कि क्या ये CH2 और इतना ml हैज वेपर प्रेशर इतना, फिर कह रहा है लेस अस्ट्रैक्टेड. चारों चॉइस देखकर लग रहा है कि ये डाटा सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो इस क्वेश्चन का ऐसे देखिए कि CH2 और एसीटोन की बात कर रहा है, तो CH2 और एसीटोन ये पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, चूंकि CH2 अपने आप में भी इंटरेक्टेड है और ये अपने आप में डेपोल डेपोल इंटरेक्शन से है, और दूसरा यहाँ पर एसीटोन भी डेपोल डेपोल इंटरेक्शन से है, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, पहले के रेस्पेक्ट में कम जाता है इंटरेक्शन. जब कम जाएगा तो वेपर कम बनेगा तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए कि अगर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन आ जाते हैं, यहां पर अगर आप देखिए कि रॉल्स लॉ ओबे बाय दिस सिस्टम, रॉल्स लॉ नहीं ओबे करेगा क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, तो रॉल्स लॉ ओबे कैसे करेगा, नहीं करेगा. तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो नहीं होगा. सेकंड में आइए, अब मिक्सचर 100 ml CH2 एंड 100 ml, अब जब प्योर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो 200 से लेस पॉजिटिव डेविएटेड है तो ग्रेटर होना चाहिए, लेस कह रहा है, तो ये भी तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा जो कि यहां पर नॉट ओबे. तो ये तो पहला तो ऑप्शन करेक्ट था, इसमें लगता है इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट. हाँ, तो सेकंड है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, चूंकि अगर ग्रेटर रहता, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 200 ml, मतलब ओवरऑल जो इंडिविजुअल सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम अगर सम अगर इक्वल हो जाता है तो आइडियल सॉल्यूशन, अगर ग्रेटर हो जाता है पहले वाले का तो क्या हम कहेंगे कि जैसे मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन, जो वेपर है, वेपर का वॉल्यूम है वो अगर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएटेड, अगर कम गया तो नेगेटिव डेविएटेड. तो ये तो पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज फॉल्स स्टेटमेंट. इसलिए 86 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा. ठीक है, थ्योरी में कह रहा है कि CH2 एंड एसीटोन इज लेस अट्रैक्टेड, सही है, फिर 4 भी सही है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अब कह रहा है 87 में कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड. NaCl एड करेंगे तो निश्चित है कि वेपर की मात्रा कम जाएगी तो वेपर प्रेशर कम जाएगा. ठीक है, तो इसमें अब उसके अनुसार अगर देखें तो यहां पर ये जो फर्स्ट है कि NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड. यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है NaCl एड करेंगे तो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. अब कर रहे द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यस, अब जब हम सॉल्यूशन को, जब NaCl को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम जाएगा. आप देखे होंगे कि इस तरह का कर्व आएगा,
87 नंबर क्वेश्चन है। तो 87 नंबर में आप इस तरह से एक ट्रिपल पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इस तरह से रहेगा और ए रहेगा सॉल्यूशन के लिए। तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, अब यहां पर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर कर्व और ये टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर पहले तो ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ही कारण यहाँ पर टीएफ होता है और यहाँ टीएफ नॉट होता है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये डेल्टा टीएफ हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि एनएसीएल जब डाले तो सॉल्यूशन का क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम गया, इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन टू इच अदर। मतलब आप ये कह सकते हैं रीजन इज करेक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी आर गिवन बिलो द प्लॉट दैट फॉलो अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है के बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर हम टी को इंक्रीज कराते हैं तो ये ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर ए निगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फिर ए ओवरऑल जब इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल इंक्रीज ही करेगा, और जब इतना की बात आएंगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए के इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टी के साथ इंक्रीज करेगा। तो ए क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की जहां तक सवाल है तो यही ग्राफ है, तो इसमें आ जाएगा के और टी के बीच का ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, बराबर k into a to the power alpha b to the power beta। ठीक है, तो इसमें r1 की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट बाई सेकंड की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1/0.4 इक्वल टू के a के पावर 0.3 के पावर अल्फा 0.3 के पावर बीटा अपॉन के 0.3 के पावर अल्फा 0.6 के पावर बीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच गया 1/2 के पावर बीटा, इसलिए यहां पर a कैंसिल होगा, 1/4 इक्वल टू 1/2 के पावर बीटा, इसलिए बीटा इक्वल टू। अब है अगेन पहला वाई दूसरा की है, अब सेकंड में हम देखते हैं कि फर्स्ट वाई थर्ड करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाई थर्ड में आप देखिएगा कि 1/0.1/0.2 इक्वल टू आप लिखिएगा के 0.3 अल्फा 0.3 बीटा अपॉन के 0.6 अल्फा 0.3 बीटा। ए कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, 1/2 के पावर अल्फा, यहां पर भी ए कैंसिल हो गया, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 बी अल्फा, इसलिए हमें क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू 1। तो इसलिए रेट इक्वल टू
के इंटू ए के पावर अल्फा मतलब वन और बी के पावर बीटा मीन्स टू. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर. अब है क्वेश्चन नंबर 90. कह रहा है कि द जीटा पोटेंशियल, 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीटा पोटेंशियल. तो जीटा पोटेंशियल चार्ज से रिलेटेड है. ऑप्शन भी थर्ड करेक्ट है इसमें. ठीक है. जीटा पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है? तो जीटा पोटेंशियल में एक फिक्स्ड फेज होता है, एक डिफ्यूज्ड फेज होता है. जैसे अगर हम एजीआई की बात करें तो एजीआई एक कोलाइडल पार्टिकल है. तो इसके चारों ओर एजी प्लस एजी प्लस एजी प्लस एजी प्लस अट्रैक्ट हो गया. अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो इसके चारों ओर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डिफ्यूज लेयर आ जाएगा आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस. इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. तो ये जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं. तो ये जीटा पोटेंशियल बेस्ड है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल. तो ऑप्शन नंबर 3 चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जीटा पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है. कलर टिंडल इफेक्ट ये सब नहीं आएगा, ब्रोनियन मूवमेंट नहीं आएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ठीक है. तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं.